उद्धव गुट से पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, एकनाथ शिंदे शिवसेना को लेकर अब खेला यह दांव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए ये खबर जानते हैं विस्तार से। उद्धव ठाकरे जी के हाथ से शिवसेना की कमान, उसका नाम और चुनाव चिन्ह छीनने के बाद भी एकनाथ शिंदे शांत बैठने वाले नहीं है। शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग के फैसले को कायम रखने के लिए वह हर एक चाल चल रहे हैं जो उनके लिए जरूरी है। अब खबर है कि एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने के लिए उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गुहार लगा सकता है। ऐसे में इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने से पहले शीर्ष अदालत महाराष्ट्र सरकार की दलीलों को भी सुने। उद्धव जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। दरअसल शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के तुरंत बाद उद्धव ठाकरे जी ने सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दे दिए थे। माना जा रहा है कि सोमवार को ठाकरे गुट इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट के किसी भी कदम से पहले ही शिंदे खेमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया है। शाखाओं पर है शिंदे की नजर। शिवसेना की शाखाओं को पार्टी का आधार और रीढ़ माना जाता है। जब तक शाखाएं हैं, ठाकरे परिवार महाराष्ट्र की राजनीति में कभी भी वापसी कर सकती है। ऐसे में पर्यवेक्षकों का मानना है कि शिंदे गुट की नजर अब इसी पर है। वह धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से शाखाओं पर कब्जा कर सकती है। बीते शुक्रवार को रत्नागिरी के दापोली में भी स्थानीय शाखा पर नियंत्रण को लेकर दोनों गुटों के बीच झड़प हुई थी। उधर उद्धव गुट के नेताओं का कहना है कि शाखा नेटवर्क उनके साथ है और वह कहीं नहीं जाएगा। किसका होगा शिवसेना भवन? शिवसेना का केंद्रीय कार्यालय दादर स्थित शिवसेना भवन किसका होगा, यह बड़ा सवाल है। इस भवन का बाजार मूल्य करीब 300 करोड़ रुपए आका जा रहा है। विधान भवन स्थित कार्यालय और प्रदेश कार्यालय शिवालय को लेकर भी इसी तरह के सवाल उठे हैं। जानकारी के अनुसार शिवसेना भवन शिवाय ट्रस्ट का है जिसके अध्यक्ष लीलाधर डाके है, इसलिए शिवसेना भवन पर उद्धव का कब्जा बरकरार रहने की संभावना है। लेकिन विधान भवन और शिवालय समेत बीएमसी कार्यालय पर शिंदे गुट दावा कर सकता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महिला टी20 विश्व कप, दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचा। तैलिया मैकग्रा की 57 रन की शानदार पारी के दम पर गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप एक के मैच में शनिवार को यहां दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया। मैकग्रा ने 33 गेंद की आक्रामक पारी में 10 चौके जोड़े जिससे ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए मिली 125 रन के लक्ष्य को 21 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की टूर्नामेंट में यह लगातार चौथी जीत है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 124 रन बनाए। टीम के लिए तेजमीन ब्रिट्स ने सबसे ज्यादा 45 रन का योगदान दिया। कप्तान सुनील लूस ने 20 जबकि सलामी बल्लेबाज लॉरा वुल्फर्ट ने 19 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए जॉर्जिया वेयरहम ने 2 तो वही मेगन शूट, डार्सी ब्राउन, एलिस पेरी, एश्विली गार्डनर ने एक एक विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 40 रन तक 3 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी, लेकिन इसके बाद मैकग्रा और गार्डनर ने चौथे विकेट के लिए 81 रन की साझेदारी कर टीम को जीत के मुहाने पर पहुंच दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने पंजीकृत तंबाकू उत्पादकों को अतिरिक्त फसल की बिक्री की अनुमति दी। सरकार ने कहा कि उसने फसल सत्र 2022-2023 के लिए नीलामी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त तंबाकू की बिक्री की अनुमति दी है। एमएनएस न्यूज संवाददाता के अनुसार सरकार ने फसल सत्र 2022-23 के लिए कर्नाटक में बिना किसी जुर्माने के अपंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अधिकृत तंबाकू की प्लेटफॉर्मों पर बिक्री की अनुमति दी है। उसने कहा कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2022-23 कर्नाटक फसल सत्र के दौरान कम उत्पादन को देखते हुए पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त फ्लू क्लोड वर्जीनिया तंबाकू और
अपंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अनधिकृत फ्लूक्लोर वर्जीनिया तंबाकू की बिक्री से अनुमति देने पर विचार किया है। इसने कहा कि अधिक सीवी तंबाकू की बिक्री पर कोई जुर्माना नहीं लगाने के फैसले से कर्नाटक के किसानों को इस फसल के मौसम में कम उत्पादन के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने की काफी मदद मिलेगी। सरकार ने कहा कि यह सोच एफसीवी तंबाकू किसानों को कम उत्पादन और कम कमाई के कारण उनकी वित्तीय दुर्दशा से उबरने में मदद करेगा और उत्पादों को अपनी आजीविका बनाने रखने के लिए बहुत मदद करेगा। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह, तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।